स्टूडेंट क्वेश्चन में दिया गया है कि इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक का हाइट 1 मीटर बेस, जो हाइट है उसका 1 मीटर है, कितना है यहाँ पर 1 मीटर जो गिवन है, यहाँ पर आप लिख लीजिए गिवन क्या क्या है, डायामीटर 140 सेंटीमीटर है, इसको आप जो है मीटर में चेंज कर देंगे तो यहाँ पर 140 बिकॉज ये मीटर में है, तो यहाँ पर आप इसको करिए तो यहाँ पर कितना जाएगा 1.4 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना, 1.4 मीटर। रेडियस जानने के लिए 1.4/2 इज इक्वल टू 0.7 मीटर, बाई d/2 होता है, डायमीटर का हाफ रेडियस होता है। अब एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πr इन ब्रैकेट h+r कर दीजिए। फार्मूला बहुत याद रखिएगा, फार्मूला सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में बहुत ज़रूरी होता है, अगर फार्मूला आपको लर्न नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए फार्मूला जरूर लर्न करिए। यहाँ पर 2π की वैल्यू 22/7 रखेंगे और r की वैल्यू 0.7, h 1 and 0.7 मीटर स्क्वायर, इसको कैंसिल कर दीजिए 0.1, 44 है तो ये 4.4 हो जाएगा और मल्टीपल बाय 1.7, ठीक है ना, 1 में 0.7 करें तो यहाँ पर आएगा मीटर स्क्वायर। अब इसको कर ले 17 4 जा 68, कैरी 6, 17 4 जा 68, 8 6 14 and 6 1 7, 1 के बाद पॉइंट है, 1 के बाद आप यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, हाइट दी है, डायमीटर दिया है, रेडियस फाइंड कर लेंगे। किसी भी सिलेंड्रिकल चीज़ का जब फॉर्मेशन करना होता है तो उसमें अगर ये पूछ दे कि कितनी शीट लगे तो आप ये तुरंत बता दें कि जो उसमें TSA लगेगा, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज़ होगा, तो 2πr इन ब्रैकेट h+r का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आप अपने नंबर्स को यहाँ पे लिखें, नंबर्स को कैलकुलेशन सही ढंग से करें, आपका आंसर रियली बहुत सही ढंग से आएगा, रियली सही ढंग से आएगा। आप इसे क्वेश्चन को करिए और इसे कॉपी कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, उन्हें भी समझाइए बताइए क्वेश्चन कैसे होगा, आपका नॉलेज 100% बढ़ेगा। खुश रहिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।